वोट उसका जो जीतता नजर आ रहा हो। नहीं भाई, वोट उसका जो जीतने के बाद मेरा हर जायज नाजायज काम करवा दे। अरे वोट मेरी बरादरी वाले का। भाई वोट तो बस मेरी पसंदीदा पार्टी का ही होगा। अरे दफा करो, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं नहीं देता वोट शोट। भाई ये वोट है वोट, कोई रिश्वत सट्टा या मामूली चीज नहीं। क्या आपने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना, फरमाया अमानते अहले अमानत के सुपर्द करो। वोट ऐसे अमानतदार आदमी को दें जिसे आप बिला झिझक अपने घर की चाबियां तक दे सकते हो और आपको इत्मीनान रहे। अगर आप अपने घर की चाबियां उसे नहीं दे सकते तो इतना बड़ा इलाका इसके हवाले कैसे कर सकते हैं जहां आप रहते हो। फिर वोट एक गवाही है और अल्लाह ने फरमाया है कि इंसाफ की गवाही देने वाले बन। आप सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि एक गवाही देते हैं कि ये उम्मीदवार दयानत अमानत और काम करने की काबिलियत भी रखता है। और वोट ना डालने वाले भी अल्लाह के इस फरमान को याद रखें कि उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो उसे छुपाए। वोट उम्मीदवार के हक में एक सिफारिश भी है और अल्लाह फरमाता है कि जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा। आपके वोट से जो भी मुंतखब हुआ और उसने कोई अच्छा काम किया तो उसमें उसके वोटर को भी अजर मिलेगा, और अगर वो बुरा काम करे तो उसके गुनाह में वोटर भी शरीक होगा। जानते बूझते किसी गलत आदमी और किसी गलत पार्टी को वोट देकर अपनी आखरत बर्बाद ना करें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे कयामत वो शख्स सबसे ज्यादा खसारे में होगा जो दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखरत खो बैठे। इसलिए वोट सोच समझ कर दें, अहल और दयानतदार उम्मीदवार को दें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी साफ हो और अवामी खिदमत की सलाहियत भी रखता हो।